तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त जो कि पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव बोल चुका हूँ, जो कि आपके लिए आज जो कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो कि आपके 1550 पद आने वाले हैं उसकी एक विशेष वीडियो और आपके लिए जो कि एक हेल्पफुल रहेगी। आई होप आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएंगे और लाइक की करेंगे। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको आज जो कि आपको प्रोसेस दिखाते हैं कि किस प्रकार से यह विज्ञापन आता है, कैसे इसमें फिजिकल होता है, कैसे महिलाओं के लिए कितनी हाइट होती है, पुरुष के लिए कितनी हाइट होती है, क्या क्या सिलेबस रहता है और कैसे इस भर्ती को आप कैसे आप उत्तराखंड में जो कि पुलिस कांस्टेबल बन सकते हो। तो दोस्तों जो कि यह मैं विज्ञापन में आपको दिखा रहा हूँ 2021 का, तो देखिए किस प्रकार से रहा था उत्तराखंड पुलिस का विज्ञापन। तो देखिए दोस्तों जो कि आपकी भर्ती आई थी उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा, जो कि आपकी दिनांक 28 दिसंबर 2021 को ये भर्ती आई थी। तो ध्यान से देखिए 28 दिसंबर 2021 को, तो देखिए किस समय कितने पद आए थे। तो देखिए उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के आपके जनपदीय पुलिस पुरुष के रिक्त 700 जो देखिए 785 पीएससी के पद आए थे। 785 पदों को पीएससी और IRBI के 291 पद आए थे और महिला और के लिए 445 के फायरमैन के भी पद आए थे। तो देखिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपकी 28 दिसंबर 2021 थी और ऑनलाइन आवेदन की आपकी 3 जनवरी 2022 से फॉर्म भरे गए और आपका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 16 फरवरी 2022 को था और आपका लिखित परीक्षा तो 17 दिसंबर को हुई, लेकिन आपका फिजिकल जो कि जून 2022 से स्टार्ट हो चुका था। तो देखिए इतने पदों पर आप भर्ती आई थी, तो ऑनलाइन दिखा दिया मैंने आपको जो कि 1521 पदों पर उस समय ये भर्ती आई थी, उस समय 2021 की बात चल रही है। और अब देखिए इसमें क्या होता है, तो देखिए उत्तराखंड पुलिस अभ्यर्थी RIBI के लिए, तो देखिए पद कोड इतना इतना ये पूरी पोस्ट है, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग जो देखिए टोटल 785 आपकी आरक्षी पुरुष के लिए थी। ये देखिए टोटल आपका कितने वेतनमान कितने रहता है इसमें, तो आपका जो कि 21,700 से आपका 69,100 रुपये रहता है। और बात करते हैं आपकी कितने की लेवल की नौकरी होती है, लेवल 3 की नौकरी होती है। और अब दिखाते हैं आपको आगे की प्रोसेस, तो देखिए अब शारीरिक अहर्ता की बात की जाए तो आपका क्या रहता है इसमें शारीरिक अहर्ता, तो देखिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आपकी हाइट पुरुष अभ्यर्थियों की ये बात चली है तो 1.65 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जनरल के लिए हाइट रहती है। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट पर्वतीय सर्टिफिकेट है तो आपको छूट दी जाएगी और आपकी 1.60 सेंटीमीटर हाइट ली जाएगी। बाकी आपका जो कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों आप ST ST तो आपके लिए 157.5 सेंटीमीटर ली जाएगी। बात करते हैं दोस्तों अब आगे की प्रोसेस, तो देखिए सीने की माप देखिए, तो पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप तो बिना अन्य सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए आपका जो कि 78.7 जो कि बिना फुलाए और फुलाने पर आपका 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपका 76.3 नॉर्मल चाहे और 81 आपको फुलाने पे चाहे। बाकी आपको सीने की माप में आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का फुला आवश्यक है और इसमें अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हैं तो पर्वतीय के क्षेत्र के निवासी हो तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट भी दी जाएगी हाइट में भी और आपके चेस्ट में भी। तो दोस्तों ये है, आप देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए किस प्रकार से रहता है जो कि फिजिकल, देखिए पुरुष अभ्यर्थी किस प्रकार से रहता है आपका सारी दक्षता कार्यक्रम, तो देखिए 100 अंकों की होगी जिसमें अभ्यर्थियों को प्रत्येक आइटम में आपको 50% अंक जो कि प्राप्त करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम जो आइटम में 50% अंक से कम प्राप्त करेगा उसे अयोग्य, जो कि भार भी होते हैं फिजिकल में उसे भार कर दिया जाएगा। अब देखिए सपोर्ट रेट आपके 20 नंबर की बोल थ्रो है तो आपका आपका 70 मीटर है तो आपको 35 मीटर आपको फेंकना जरूरी होगा, या 10% मतलब 20 नंबर के तो आपको 20 नंबर का पूर्णांक है तो आपको टोटल इसमें से आपका जो कि कितने नंबर 10 नंबर या आपको क्वालिफाई होना जरूरी होगा। तो क्रिकेट बॉल थ्रो की बात की जाए तो देखिए 20 नंबर का है,
50 मीटर आप फेंकते हो तो 10 नंबर, 55 मीटर आप फेंकते हो तो 12 नंबर, 60 मीटर आप फेंकते हो तो 14 नंबर, 65 मीटर आप फेंकते हो तो 16 नंबर, और 70 मीटर पे आपका 20 नंबर आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो देखिए फिजिकल भी आपको अच्छे खासे बनाने होंगे, उस वही आपके मेरिट अंतिम मेरिट में आपके लिए जो कि संजीवनी साबित होगा। देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबी कूद 20 पूर्णांक 20 अंकों की होती है, तो 13 फीट मारोगे तो 10 नंबर, 14 फीट मारोगे तो आपके 12 नंबर, और 15 फीट पे 14 नंबर, 16 फीट अगर मारते हो तो 16 नंबर, 17 फीट पे 18 नंबर, और अगर आप 18 फीट मारते हो तो 20 नंबर आपके बन जाएंगे। तो आपके 40 का टोटल ये बन सकता है, अगर आप अच्छे खासे एथलीट हो तो आपके यहाँ से नंबर बन सकते हैं। अब चिनअप की बात की जाए तो आपका पुरुष अभ्यर्थियों की चिनअप 5 बार अगर आप चिनअप मारोगे तो 10 नंबर, 7 बार चिनअप मारो तो 12 नंबर, 8 बार अगर मारते हो तो 14 नंबर, और 9 बार अगर आप मारते हो तो 16 नंबर, और 10 बार आप चिनअप मारते हो तो 10 जो ऊपर नीचे रहते हैं उसका तो 20 नंबर आपको, अगर आप अच्छे एथलीट हो तो 60 नंबर आपके बन सकते हैं अगर आप ठीक ठाक हो तो। बैठक देखिए, बैठक की बात की जाए तो जो कि 50 अगर 2 मिनट में मारते हो तो ऊँट बैठक रहती है तो 4 नंबर, 65 दो मिनट में मारते हो तो 6 नंबर, 80 दो मिनट में मारते हो तो 8 नंबर, और 100 दो मिनट में मारते हो तो आपके 10 नंबर यहाँ से बन सकते हैं। आप देखिए दंड बैठक जो कि आपका पर्वतांक को मिलाकर 10 अंक और हो गए, तो दूसरा दंड बैठक क्या है तो 25 4 मिनट में 4 नंबर, जो कि 35 4 मिनट में 6 नंबर, 50 4 मिनट में 8 नंबर, और 25 आपके 4 मिनट में होते तो 75 आपके 4 मिनट होते तो 10 नंबर आपके यहाँ से बनेंगे। अब देखिए दौड़ की बात करते हैं, अब तो देखिए दौड़ की बात की जाए तो दौड़ व चाल क्या रहती है आपकी, 3 किलोमीटर की दौड़ और चाल रहती है, तो अगर आप 20 मिनट में आते हो तो आपके 10 नंबर ही बन पाएंगे, 18 मिनट में अगर 3 किलोमीटर क्वालिफाई करते हो तो 12 नंबर, 16 मिनट में आते हो अगर 3 किलोमीटर में तो 14 नंबर, 14 मिनट में आते हो तो 16 नंबर, और 12 मिनट में आते हो तो 18 नंबर, और 30 मिनट में अगर आते हो तो 20 नंबर। तो दोस्तों ये थे आपका पुरुष अभ्यर्थियों का जो कि सारे इवेंट, अगर आप 100 में से 90 प्लस मारते हो तो अच्छा स्कोर रहेगा, या 85 87 88 या कोई 92 मारता है, कोई 98 मारता है तो आपके जो कि रिटर्न के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यह थी बात अब लिखित प्रतियोगी परीक्षा, तो वही आती है आपको, रिटर्न का भी बताता हूँ आपको, 100 नंबर की होगी, 2 घंटों की होगी, और लिखित परीक्षा आपकी जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन उत्तराखंड की होगी। आप देखिए महिला पुरुष के लिए फायरमैन के लिए क्या रहता है इवेंट, तो फायरमैन की बात की जाए अग्निशामक रहते हैं जो, उसके लिए भी आपकी 445 आई थी, ये भी आपकी लेवल 3 की नौकरी है। अब ऊंचाई देखिए फायरमैन के लिए जो कि ऊंचाई आप अग्निशमन अभ्यर्थियों की मानक जो, तो देखिए ऊंचाई की बात की जाए आपके लिए तो देखिए तो अग्निशमन ऊंचाई देखिए ऊंचाई आपकी महिला अग्निशमक जो महिला फायरमैन के लिए है उसके लिए देखिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रहेगी, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए 147, और अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट, महिलाएं ध्यान से सुनिए, अगर आपकी हाइट कम है तो आप पर्वतीय सर्टिफिकेट बनाए तो आपके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट मैनेजमेंट ली जाएगी। आप देखिए वजन की बात की जाए तो 45 किलोग्राम आपका अनिवार्य है, और शारीरिक और मान्यता के लिए प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, सारी मानकों में छूट के लिए आपके पास पर्वतीय सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको वजन में भी इसमें ये देखिए साफ लिखा है कि वजन में भी आपको छूट मिलने वाली है, अगर आपके 45 ग्राम से कम हो तो आपको ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है नोट, आपको वजन में भी इससे छूट मिलने वाली, तो आप पर्वतीय सर्टिफिकेट बना लीजिए। पर्वतीय सर्टिफिकेट के साथ आपको बताता हूँ कौन से सर्टिफिकेट, अगर आप पहली बार पुलिस की भर्ती में आ रहे हो 12th पास आपको होना चाहिए 1 नंबर 1, OBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 2, आपके पास स्थायी या मूल निवास इन दोनों में से आपका चाहिए स्थायी चाहिए या मूल 3, और अगर आपके पास वो रोजगार पंजीकरण यानी एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए आपके पास 4, और अगर आपकी हाइट चेस्ट हाइट वजन महिला अभ्यर्थियों की कम है तो आपको पर्वतीय सर्टिफिकेट भी चाहिए 5, तो ये डॉक्यूमेंट भी बना लीजिए और आधार कार्ड भी अपना नाम सही करा लीजिए। तो देखिए ये था पूरी प्रोसेस, मैंने आपको ये महिला अभ्यर्थियों के लिए ये डॉक्यूमेंट है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बाकी आपको फोटो फाटो आप ले सकते हो। अब देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखिए तो वही जो आपके आरक्षी में रहेगा वही क्राइटेरिया आपका फायरमैन भी पुरुषों के लिए रहेगा। अब देखिए अग्निशमन के लिए तो देखिए ये अग्निशमन न्यूनतम मैंने बता दिया है। अब देखिए अब इसमें फिजिकल की अब देखिए अग्निशमन में जो कि आपकी महिलाएं हैं उनके लिए देखिए इवेंट उनके लिए क्या है
जो कि फिजिकल मैनेजमेंट क्रिकेट बॉल थ्रो पूर्णांक 20 अंक का है। महिला अभ्यर्थी अगर 16 मीटर फेंकती हो बॉल तो 10 नंबर, 20 मीटर अगर आप फेंकते हो महिला अभ्यर्थी तो 12 नंबर, 24 मीटर फेंकते हो तो 14 नंबर, 28 मीटर आप 16 नंबर, और 32 मीटर आप फेंकते हो तो 20 नंबर आपके महिला अभ्यर्थियों को बनता है। तो आप महिला अभ्यर्थियों तो क्रिकेट थ्रो की भी तैयारी कीजिए। अब लंबी कूद की बात की जाए तो 20 पूर्णांक अगर आप 8 फीट मारोगे तो 10 नंबर, 9 फीट अगर आप महिला अभ्यर्थी हो तो 12 मारते तो 12 नंबर, 10 फीट मारोगे तो 14 नंबर, 11 फीट आप 16 नंबर, और 12 फीट आपके 18 नंबर, 13 फीट पे आपको 20 नंबर महिला अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। तो लंबी कूद की भी तैयारी कीजिए। दौड़ 50 मीटर की होगी तो 50 मीटर की दौड़ होगी तो पूर्णांक देखिए, अगर आप 16 सेकंड में आओगे तो 10 नंबर, 15 सेकंड में आओगे तो 12 नंबर, 14 सेकंड में आओगे तो 14 नंबर, 13 सेकंड में आओगे तो 16 नंबर, 12 सेकंड में अगर आप आते हो तो 18 नंबर, अगर आप 11 सेकंड में 50 मीटर दौड़ कंप्लीट करते हो तो आपके 20 नंबर यहाँ से बनेंगे। अब शटल रेस होती है 200 मीटर की, मतलब ये फील्ड है जैसे, इसके आपको 4 चक्कर लगाने, 1, 2, 3 और 4, फिर से यहीं पे इसी पोजिशन पे आपको आना है। शटल रेस जिसे कहते हैं, अगर आप इसमें देखिए 29 सेकंड में आते हो तो 10 नंबर, 28 सेकंड में आते हो 14 नंबर, 27 सेकंड में आते हो तो 18 नंबर, और 26 सेकंड में अगर आप इस शटल रेस को क्वालिफाई कर आते हो तो 20 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे। अब देखिए स्कीपिंग, मतलब रस्सीकूद, आपके रस्सीकूद रस्सीकूद की बात की जाए तो 55 रस्सीकूद आप 1 मिनट में खेलते हो तो आपके 20 नंबर, 10 नंबर, 60 अगर 1 मिनट में खेलते हो 12 नंबर, 65 आप 1 मिनट में खेलते हो 14 नंबर, 70 अगर आप इसमें खेलते हो 1 मिनट में तो 16 नंबर, और 75 अगर आप खेलते हो आप 1 मिनट 18 नंबर, और 80 अगर आप खेलते हो तो आपके 20 नंबर। तो रस्सी कूद की भी तैयारी कीजिए, स्पीड बढ़ाइए रस्सी कूद में भी महिला अभ्यर्थी। तो देखिए अब मैंने फिजिकल मैनेजमेंट दोनों का बता दिया है। अब देखिए माप झोप की बात की जाए फायरमैन के लिए, पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए फायरमैन की में भी आती है पुरुष की, तो पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए 1 68 सेंटीमीटर होगी, पर्वतीय हो आप तो 1 30 सेंटीमीटर होगी, बाकी यही आपका मेजरमेंट रहेगा 5 सेंटीमीटर का जो मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी यही इवेंट का नाम यही है आपका, जो जो मैंने आपको बता दिया है बैठक बूटक, वही आपको फिजिकल मैनेजमेंट आपका रहने वाला है जो मैंने आपको आगे से बताया है। तो दोस्तों लिखित प्रतियोगिता भी वही रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी आपकी DFF हो चाहे कोई भी हो आपके लिए, यही पुरुष और महिलाओं का अभ्यर्थियों के लिए यही आपका जो कि फिजिकल रहेगा। अब बताते हैं दोस्तों इसका सिलेबस, तो देखिए किस तरह से तैयारी करनी है, क्या पैटर्न चेंज हो चुका है 2022 की भर्ती, 2022 और 2024 की भर्ती में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बने रहे वीडियो के साथ, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब दिखाता हूँ इसके सिलेबस का और बुक्स आपको। तो देखिए भैया ये आपका फिजिकल रहने वाला है भैया या बहने, तो देखिए ये आपका पुलिस कांस्टेबल का पाठ्यक्रम रहेगा। तो देखिए इस बार भी चेंज तो कुछ होगा अगर तो आपको बता दिया जाएगा, चेंज नहीं होगा तो फिलहाल पुलिस कांस्टेबल का यही सिलेबस पिछली बार था, इस बार भी। तो देखिए प्रश्नों की संख्या आपकी 20 नंबर की आएगी, आपकी हिंदी 20 नंबर हिंदी, तो देखिए हिंदी और आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तो ये सारे हैं, रीजनिंग भी इसी सामान्य ज्ञान में आएगी, इतिहास भी इसी में आएगा, भूगोल भी इसी में आएगा, राजनीति शास्त्र इसी में आएगा, अर्थशास्त्र भी इसी में आ जाएगा, और करंट अफेयर भी इसी में आएगा। ये आपकी आएगी 40 नंबर की, तो इस हिसाब से तैयारी कीजिए। अब सिलेबस पूरा बता रहा हूँ, और उत्तराखंड, उत्तराखंड आपकी आएगी आपकी 40 नंबर की उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल में। तो ये है पूरा सिलेबस, अब दिखाते हैं आपको एक एक तरफ से। आप देखिए 20 नंबर की हिंदी, हिंदी के पूरे टॉपिक ये सिलेबस है उत्तराखंड पुलिस का। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन हिंदी, देखिए हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा के विकास, कार्यकारी भाषा हिंदी, देखिए गढ़वाली जोन सारी अब पूछी जा रही है, ये भी तैयारी कीजिए नए छात्र हैं। लिपि तथा वर्णमाला, देवनागरी लिखी में लिखी जाने वाली भाषा ये भी है। स्वर और व्यंजन भी आएंगे इसमें, हिंदी वर्तनी अशुद्ध भी आएगा, शब्द रचना प्रत्यय पूजे अलंकार ये भी आएगा, बाकी शब्द भंडार में देखिए आपके तत्सम तद्भव आगत ये आपके हिंदी में आएंगे, और संधि भी देखिए, संधि की बात की जाए स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि आएगी, बाकी वाक्य परिचय में देखिए तो आपके वाक्य परिचय में वाक्य शुद्धि आएगी, लोक युक्ति आएगी, मुहावरे आएंगे, पत्र लेखन और टिप्पण, परारोपण और अर्ध सरकारी पत्र आएंगे इसमें, बाकी जन संचार और हिंदी टाइपिंग
जो कि हिंदी फाउंटिंग के इसमें आएंगे। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य का आएगी, इसमें कबीरदास की आएगी, तुलसीदास की आएगी, जयशंकर प्रसाद की आएगी, सुमित्रा नंदन पंत आएगी, माखनलाल चतुर्वेदी आएंगे और राजेश जोशी, राहुल साकृत्यायन, इनकी जो कि कव्य, इनकी जो रचना या जन्म है इनका क्या क्या, इसने इन्होंने क्या, ये आएंगे। आप देखिए हिंदी के लिए आपके कौन सी बुक लें, तो हिंदी के लिए अगर आप नए छात्र हो तो हिंदी के लिए नए छात्र, क्योंकि अगर आप पुराने हो तो रिविजन मार सकते हो, क्योंकि आपने 2022 में उत्तराखंड पुलिस की भर्ती दे रखी है तो आप रिविजन मार सकते हो। हिंदी के लिए आप लूसेंट ले सकते हो, यह भी एक अच्छी बुक रहती है। बाकी पत्रकारिता है इसमें, तो इसमें एक 50 नंबर की बुक आती है वो ले सकते हो। बाकी एनसीईआरटी जो काव्य पर्चे है उसके लिए 20 नंबर की एक बुक आती है वो ले सकते हो, और ज़्यादा बुक नहीं लेनी है। और बात करते हैं आपके गढ़वाली कुमाऊनी मुहावरे आपके, जो कि आपको पूर्वजों से पढ़ने होंगे, या बुक आती है इसकी वो भी ले सकते हो। और बात करते हैं अगर आपको दूसरी दो तीन बुक लेनी, तो हरदेव बिहारी की भी एक बुक आती है और एक राजपाल यादव की बुक आती है, तो ऑथेंटिक बुक भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों हिंदी का मैंने आपको पाठ्यक्रम बता दिया है और आपको एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ के जो कि ये निकालना है। तो देखिए अब बताते हैं आपको सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण। तो देखिए अब रीजनिंग की बात की जाए दोस्तों, तो रीजनिंग देखिए दोस्तों आपकी, तो रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो देखिए बताता हूँ आपको। सामान्य रीजनिंग में देखिए आपका आता है दर्पण, जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सदृशता, कागज मोड़ना, आकृति मोड़ना, आकृतियों की गिनती, सन्निक आकृतियाँ, आकृतियों की पूर्ति, और आपके बात करते हैं तो आपका शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण में आपका वर्णमाला परीक्षण। तो देखिए टोटल कितने टॉपिक हैं आपके, तो 28 टॉपिक आपके उत्तराखंड पुलिस में रीजनिंग के हैं। तो आपको प्रत्येक दिन आपको एक एक टॉपिक रीजनिंग का पढ़ना है, जिस हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आप रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लें, तो रीजनिंग के लिए एक अग्रवाल की आती है और या ओझा की आती है, वह आप रीजनिंग के लिए बुक ले सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं आप दूसरे क्रम में आपका जीएस की ओर। तो जीएस के लिए आप लूसेंट लें, प्राचीन इतिहास प्राचीन इतिहास भी, मॉडर्न हिस्ट्री भी, आधुनिक हिस्ट्री भी है इसमें, मध्यकालीन भारतीय भी है और आपका आधुनिक काल भी है। तो दोस्तों इसके लिए आप या लूसेंट से कवर कर सकते हो इसको, इतने टॉपिकों को, या आप इसके लिए आप एनसीईआरटी या परीक्षावाणी ले सकते हो जो कि आपकी हिस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं आपके लिए पॉलिटिकल भूगोल के लिए भी वही, आप या लूसेंट से कवर कीजिए इन टॉपिकों को, या आप परीक्षावाणी लीजिए, इससे भी यह टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो ये है आपके भूगोल के टॉपिक। बाकी बात करें तो इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि आप बोल रहे हैं सर कि आप ऊपर ही ऊपर बता रहे हैं, तो ये देखिए इसमें आपको ज़्यादा आधुनिक भारत पे फोकस पढ़ना है, क्योंकि आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इतना पूरा पढ़िए इसको। बाकी बात करते हैं आपका जो कि उत्तराखंड पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एक परीक्षावाणी लें, या आप लूसेंट से भी इनको कवर कर सकते हो, या परीक्षावाणी, या आप एनसीईआरटी से भी इसे कवर कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपकी पॉलिटिकल के टॉपिक। तो देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसका सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे जो कि UKPSC स्टडी पॉइंट से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप सिलेबस ले सकते हो। बाकी अर्थशास्त्र के ये टॉपिक दे रखे हैं, इसको आपको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यवस्थाएं 1 टॉपिक, जनन की 2 टॉपिक, भारतीय कृषि की विशेषताएं 3, उत्पादन और विपणन 4, कृषि सुधार 5, खाद्य सुरक्षा 6, औद्योगिक विकास 7, समस्याएं 8, लघु उद्योग 9, और नीति आयोग वित्त आयोग 7, 8, 10 और 15, ये 16-17 टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स हैं। बाकी आपकी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय की समसामयिक की घटना इससे आपकी बनेगी। अब देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर UKSSC नहीं कराता है भाई, तो कौन इस बार इस पेपर को कराएगा, तो UK SSC कराएगा। और ये कंप्यूटर को टॉपिक भी आपको, कंप्यूटर को भी आपको फोकस में रखना है, 5-6 नंबर के कंप्यूटर आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर को से भी एक लूसेंट ले कंप्यूटर के लिए, या परीक्षा मंथन आती है कंप्यूटर की वो ले सकते हो आप कंप्यूटर के लिए। अब बात करते हैं आपके उत्तराखंड की, जिसका आपका बेसब्री से आपका मन नहीं मान होगा, तो उत्तराखंड के लिए तो देखिए एक एक चैप्टर पढ़िए, नदी घाटी, उत्तराखंड का इतिहास, ब्रिटिश काल, कत्यूरी शासन, चंद काल, पंवार वंश, उत्तराखंड की नदियाँ, पोखर, चाल खाल, गदेरा, नदी घाटी परियोजना, उत्तराखंड की कृषि
समस्याएं, प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएंगे। उत्तराखंड का सांस्कृतिक प्रयोग, थारू जनजाति भोटिया, उत्तराखंड की बोली भाषा रहन सहन, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो उत्तराखंड की पर्वतारोहण, राफ्टिंग, राज्य की सामान्य प्रशासन व्यवस्था, उत्तराखंड में जैव विविधता, तो देखिए पर उत्तराखंड भी ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। अब बात करते हैं आप सर की उत्तराखंड के लिए किससे तैयारी करें। नए स्टूडेंट आप हो तो परीक्षा वाणी से तैयारी कर सकते हो, और आपकी अजय राउत अजय जो उत्तराखंड के इतिहास के लिए दो बुक ले सकते हो, और तीसरी बुक आप बी एस नेगी की भी ले सकते हो, जो कि आपके शॉर्ट नोट्स में बन मिल जाएंगे। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो दोस्तों आप रिविजन मारिए और अच्छे से कीजिए, क्या कमी रह गई है उसको सुधार कीजिए। पुराने छात्रों के लिए मैंने बुक बता दी है। आप देखिए किस किस पोर्शन पे आपको तैयारी करनी है और एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज हो चुका है। तो बात करते हैं जो कि 2022 में देखा होगा सही एग्जाम पूछा था, पूरे क्वेश्चन परीक्षा वाणी से बने थे, करंट अफेयर ज्यादा आ रहा था। अब देखिए 2024 के लिए मेरी रणनीति क्या होगी कि किस सब्जेक्ट पे आप ज्यादा फोकस थे, तो देखिए ये भी आपको बता देते हैं। तो चलिए तो देखिए किस प्रकार से बन सकता है उत्तराखंड पुलिस का। तो ये वीडियो का पेपर आपका है जो कि 31 दिसंबर 2023 का। तो देखिए इसमें किस पोर्शन से जो कि ये पूछ रखा है। तो देखिए ये देखिए पहले तो आप ये देखिए क्या कैसा पैटर्न बन रहा है। तो आप तैयारी कीजिए कूट वाले क्वेश्चन की, एक कूट वाली बुक लीजिए, कूट वाले क्वेश्चन अब यूके ट्रिपल एसी बना रहा है, एक रणनीति ये है आपके लिए। और बाकी करते हैं क्या क्या पूछ रहा है। तो देखिए गढ़वाली कुमाऊनी मुहावरों पे भी ध्यान दीजिए। ये देखिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन बना रहे हैं, चार। हाँ तो देखिए दोस्तों जो कि गढ़वाली काफी पूछ रहा है। तो देखिए यूके पीएस यूके ट्रिपल एसी गढ़वाली कुमाऊनी मुहावरों में फोकस कीजिए। और बाकी बात करते हैं आपको, और कूट वाले कूट बनाइए, खुद अपने आप क्वेश्चन बनाइए या प्रैक्टिस घर में बनाइए, बीचा 20 नंबर को बनाओ या 30 नंबर के, कूट वाले कूट की तैयारी भी ज्यादा कीजिए अगर आपके पास। ये देखिए किस प्रकार से कूट बना रही है, और इस प्रकार से आपको पुलिस के लिए भी सतर्क रहना होगा क्योंकि ये यूके ट्रिपल एससी बम फोड़ने के चक्कर में पुलिस में भी इसी प्रकार से पेपर दिखेगा। बाकी ये बता दिए मैंने आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो कि आपके आ रखे थे, जो कि आपका गढ़वाली कुमाऊनी मुहावरे से। तो देखिए उत्तराखंड में भी वही पूछ रहा है ये। तो देखिए इस उत्तराखंड में बाकी मैंने बता दिया है, कूट बहुत पूछ रहा है, कूट वाले क्वेश्चन की तैयारी कीजिए इस बार पुलिस के लिए। ये एक बेस्ट रणनीति है किसी भी यूट्यूबर की तरफ से। अब देखिए कौन से पोर्शन से, तो दोस्तों जब ये कर रहा पूछ रहा है 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, भाई 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूरे पूछ रहा है। तो 10 क्वेश्चनों के लिए आप पूरे रीजनिंग के 28 चैप्टरों को चार्ट दीजिए, तभी आप पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हो। देखिए ये हर बार पूछ रहा है इसने, चाहे वीडियो 7 जुलाई की कर रखा है, तो हर बार इसने 10 10 10 10 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए हैं। तो देखिए इस प्रकार से रीजनिंग पूछ रहा है ये, और ये देखिए किस प्रकार की रीजनिंग है। तो ऐसे वाली है, ये आकृति वाले दिखा रहे हैं, ये लेडर को कोड में, ये रीजनिंग है इसकी। एक मेला का पर्चे ब्लड रिलेशन से भी है, ये देखिए कैलेंडर से भी है और इससे भी है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके लिए उत्तराखंड पुलिस 2024 के लिए रणनीति, और पेपर भी मैंने बता दिया है किस प्रकार से आपको कूट वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए, और ज़्यादा उत्तराखंड और आपका पूछ रहा है करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है ज़्यादा, लेकिन ये रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्जाम में जो यूके ट्रिपल एससी ने जब से अब नए सिरे से पेपर कराए। तो दोस्तों ये थी विशेष जानकारी। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप को वीडियो को शेयर कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, जय भारत।